इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी मईशत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह इस मुल्क में मौजूद बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज हैं जो अरबों और करोड़ों में कमाती हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 फैक्ट्स चैनल और आज हम बात करेंगे इंडिया के 10 अमीर तरीन लोगों की, जिनकी आमदनी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 10 पे हैं गौतम अदानी, जो कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनकी कंपनी ऑयल और गैस की प्रोडक्शन के साथ साथ कोयले की तिजारत भी करती है। इन्होंने ये बिजनेस 1988 में शुरू किया था और अब इनकी टोटल नेटवर्थ 10.1 बिलियन डॉलर है। नंबर 9 पे हैं उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्र बैंक के चेयरमैन हैं। ये बैंक 1985 में बनाया गया, जिसकी अब 1000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में से एक है। उदय कोटक की टोटल नेटवर्क 10.6 बिलियन डॉलर्स है। नंबर 8 पे हैं राधा किशन दामानी। ये एक सुपरमार्केट फूड चेन के ऑनर हैं और अब तक इनके 140 से ज्यादा स्टोर्स हैं। लेकिन इनकी सारी इनकम सिर्फ सुपर स्टोर से ही नहीं आती, बल्कि इनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तंबाकू और सीमेंट की प्रोडक्शन से भी आता है। इनकी टोटल नेटवर्क 10.7 बिलियन डॉलर है। नंबर 7 पे हैं सुनील मित्तल। सुनील मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेस कंपनी के चेयरमैन हैं और इसके साथ एक बहुत ही खास कंपनी भारतीय एयरटेल के भी चेयरमैन हैं। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इसके साथ सुनील मित्तल की टोटल नेटवर्क 10.7 बिलियन डॉलर है। नंबर 6 पे हैं कुमार बिरला। कुमार बिरला इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन्होंने ये कंपनी 1995 में अपने फादर की डेथ के बाद 28 साल की उम्र में संभालना शुरू की और अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी कंपनी का रेवेन्यू 48.3 बिलियन डॉलर है और इसके साथ इनकी टोटल नेटवर्क 13.1 बिलियन डॉलर है। नंबर 5 पे हैं दिलीप शांघवी। दिलीप शांघवी सन फार्माक्यूटिकल्स के फाउंडर हैं। सन फार्माक्यूटिकल्स 1983 में बनाई गई, तहम ये कंपनी दिलीप शांघवी के फादर ने शुरू की, जिसे अब दिलीप शांघवी संभाल रहे हैं और इसके साथ ही दिलीप शांघवी की टोटल नेटवर्क 13.4 बिलियन डॉलर है। नंबर 4 पे हैं शिव नादर। शिव नादर एचसीएल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, जो कि एक मल्टी इंटरनेशनल आईटी कंपनी है और इस कंपनी के 34 मुख्तलिफ ममालिक में दफातर कायम हैं और शिव नादर की टोटल नेटवर्क 13.9 बिलियन डॉलर है। नंबर 3 पे आते हैं लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल कंपनी के हेड हैं, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मिल कंपनी है और इसके साथ ही क्वीन मार्क रेंजर्स में भी इनके 11% शेयर्स हैं और 2005 में फोर्ब्स ने लक्ष्मी मित्तल को थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड क्लियर कर दिया था, लेकिन अब इनकी टोटल नेटवर्थ 19.3 बिलियन डॉलर है। नंबर 2 पे हैं आजिम प्रेमजी। आजिम प्रेमजी विप्रो लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं, जो कि एक मल्टी इंटरनेशनल आईटी कंपनी है। आजिम प्रेमजी 72 साल की उम्र में इंडिया के वाहिद सबसे बूढ़े और रिचेस्ट इंडिविजुअल हैं, जिनकी टोटल नेटवर्क 20.2 बिलियन डॉलर है। और फाइनली नंबर 1 पे जो नाम है उससे तो हर बंदा ही वाकिफ है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के चेयरमैन हैं और मैनेजर भी, और इसी के साथ एक पेट्रोकेमिकल्स कंपनी में भी इनके 46% शेयर्स मौजूद हैं, जिसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स में 8% हिस्सा है। मुकेश अंबानी दुनिया के पावरफुल इंडिविजुअल्स में से एक हैं, जिनकी टोटल नेटवर्क 42 बिलियन डॉलर है। और मुकेश अंबानी इंडिया में तो नंबर 1 है ही, लेकिन दुनिया में अमीर तरीन होने का इनका 11वां नंबर है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट। हम सब लोग इतने पैसे कमाना तो चाहते हैं, लेकिन ये सब मेहनत और किस्मत से मिलता है। तो मेहनत कीजिए,
क्या पता अगली लिस्ट में आपका नाम हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।